दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चाय पीना काफ़ी पसंद है, तो कुछ मेरी तरह भी हैं जो कि कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। अब इस बात पे चाय लवर मुझे जज मत करने लगिएगा। तो दोस्तों, जब भी हम कॉफ़ी बनाने के लिए जाते हैं, हमें चाहिए होता है एक मशीन, एक मग, दूध और कॉफ़ी पाउडर और थोड़ी सी शक्कर अपने स्वाद अनुसार। बट उन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमें एक स्टीयर मशीन चाहिए होता है ताकि कॉफ़ी को अच्छी तरह से ब्लेंड कर सके। और जब हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होता है तो हम काम चलाते हैं स्पून से। सो हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज व्यू में, जहां मैं मित्राज लेकर आता हूं प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, करता हूं उनके अनबॉक्सिंग और शेयर करता हूं उनका रिव्यू आपके साथ। सो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है कि आज जो मैं प्रोडक्ट अनबॉक्स करने वाला हूं वो आया है मुझे मेरे वन ऑफ द व्यूअर की तरफ से। सो इसलिए ये वीडियो थोड़ा खास है मेरे लिए। तो दोस्तों, इसके अंदर है कि ऐसा कॉफी मग जो कि कॉफी लवर के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है और उनके कॉफी पीने से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। तो इसके अंदर जो कॉफी मग है वो कैसे काम करता है, क्या खास बात है इसमें और कैसे बाकी कॉफी मग से डिफरेंट है, सब कुछ हम पता करने वाले इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए करते हैं फटाफट इसको अनबॉक्स। सो ये बॉक्स एक्चुअली आया है दोस्तों बिग मॉल वेबसाइट से, और इसके अंदर इस बॉक्स में मैंने आउटर बॉक्स ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, उसके अंदर है ये कॉफ़ी मग। तो फिलहाल इसको मैं साइड कर देता हूँ और करते हैं बात इसकी और आते हैं इस मुद्दे पे। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस डब्बे में साफ साफ यहाँ मेंशन किया मल्टी फंक्शनल मैग्नेटिक स्टरिंग कप। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो कप है ये सेल्फ स्टरिंग करता है, और कैसे करता है सब मैं दिखाता हूँ आपको। फटाफट पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ डब्बे में क्या क्या मेंशन है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो नाम यहाँ मेंशन किया मल्टी फंक्शनल मैग्नेटिक स्टर कप, और साथ ही यहाँ देख सकते हैं कैपेसिटी इसमें 380 ml यहाँ मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे आपको इसमें बैटरी इंस्टॉल करने वाले हैं आप यहाँ पर, और कैसे इसको यूज़ करने वाले हैं, और इसमें बाकी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो भी यहाँ मेंशन है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। साथ ही इसमें यहाँ पर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन है कि कैसे आपको यूज़ करना है, व्हाट इज़ डूज व्हाट डोंट्स, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो चलिए फटाफट इसको ओपन करते हैं, और ओपन करते ही आप इसके अंदर देखेंगे इस पॉली बैग में ये एक मग है और अंदर डब्बे में कुछ नहीं है, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन आपके डब्बे के ऊपर ही मेंशन किया हुआ है, इसलिए किसी तरह की यूज़र मैनुअल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें यहाँ पर। और अब हम निकाल लेते हैं इस मग को बाहर, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल मैं इन सब चीज़ों को साइड कर देता हूँ और ध्यान देते हैं इस मग पे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पर मेरा जो चैनल का नाम है राज व्यू, आपके चैनल का जो नाम है यहाँ पर किया हुआ है, और जो काफ़ी सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं काफ़ी सुंदर राइटिंग में भी किया हुआ है इस पे। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मग दिखता है यहाँ पर, डुअल कलर में है, नीचे वाइट है और ऊपर में ये थोड़ा सा ग्रे कलर का दिया हुआ है यहाँ पर। और इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लीड जैसा बना हुआ है जो कि ऑरेंज कलर का है, और उसको एक अच्छा टच देने के लिए यहाँ भी एक छोटा डॉट मारा हुआ है। तो डिटेलिंग में काफ़ी ध्यान दिया गया है इसमें, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉफ़ी कप लिखा हुआ है, और साथ ही यहाँ पर इस कैप को जब बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालने के बाद यहाँ पर कुछ हमें दिख रहा है, कुछ इस तरह से कैप्सूल जैसा दिख रहा है, और देखते हैं इस कैप्सूल का क्या यूज़ करना है। और उससे पहले आप यहाँ पर अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो मुझे कहीं पर यहाँ चार्जिंग पोर्ट दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कि इसमें बैटरी आपको खुद से लगानी पड़ेगी। तो बैटरी लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसको इस तरह से रिमूव करना है। आप यहाँ देख सकते हैं दो स्लॉट्स बने हुए बैटरी के लिए, इसका मतलब दो बैटरी लगेगा। बैटरी जिसमें लगने वाला है वो ट्रिपल ए साइज बैटरी, जिसको नंबर 7 बैटरीज भी कहते हैं। सो पहले मैं उस बैटरी को लगा लेता हूँ फटाफट, फिर दिखाता हूँ आपको बाकी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। सो दोस्तों, ये दो बैटरीज यहाँ देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ट्रिपल ए बैटरी, तो फटाफट मैं इसको लगा लेता हूँ, और इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से बस आपको लगाना है कुछ इस तरह से, और लगा के बस इस लीड को यहाँ से क्लोज कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि लीड अच्छी तरह से क्लोज हो जाए ताकि इसके अंदर वॉश करते वक्त पानी ना जाए, और जैसे कंपनी क्लेम करती है कि स्प्लैश प्रूफ है। और इसके अंदर तो कुछ खास ऐसा एक्स्ट्रा मैकेनिज्म आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि स्टेयर कैसे करता होगा, आखिर क्या खास है इसमें। तो मैं बता दूं, सबसे पहले बात मैं बिल्ड क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बात करूं, तो प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। आउटर मटेरियल प्लास्टिक का है, बट ये कोई चीप प्लास्टिक नहीं फील होता है बिल्कुल भी, अच्छा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। और साथ ही अंदर में आप यहाँ देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील है, जिसकी वजह से जो हीट है वो बाहर नहीं आने वाली है, और इसलिए आपको इसको होल्ड करने में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि अंदर स्टेनलेस स्टील है, और इसको इस तरह से बनाया गया, इंसुलेटेड बनाया गया, ताकि आप कोई भी प्रोडक्ट इसमें रखें, ठंडा रखें या गर्म रखें,
ये आपको टेम्परेचर को मेंटेन रखता है एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तक। सो अब बात करते हैं इस कैप्सूल के आखिर इसका यूज़ क्या है। तो आप जैसे इस कैप्सूल को यहाँ से निकालेंगे इसको और आप इसके अंदर जैसे डालेंगे, आप देख सकते हैं अपनी प्लेस पे आ गया, सेंटर पे बिल्कुल आ गया। तो एक उसकी खास बात है, आप देख सकते हैं सेंटर पे पहले तो खड़ा था लेकिन अब बैठ गया, सेंटर पे आ गया कुछ इस तरह से। और यहाँ ये बटन, जो इस बटन को टच करते ही आप देख सकते हैं एक घूमने लगा है, आपको साथ कैमरा दिख पा रहा होगा अच्छे से, ये अच्छी तरह से घूमने लगा है, कुछ इस तरह से घूमता है और इस तरह से स्टर करता है। आपको लग रहा हो कि इतना छोटा सा कैप्सूल क्या ही काम कर सकता है, तो चलिए सारा कुछ हमेशा की तरह हम डेमो में डिस्कस तो करने ही वाले हैं। फटाफट बनाते हैं कॉफ़ी बढ़िया सी और दिखाते हुए कितना बढ़िया कॉफ़ी बना पाता है या फिर नहीं बना पाता है, सब कुछ देखते हैं आगे। सो दोस्तों फटाफट मैं देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स ले आया हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए, ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं होता है बट जो भी चाहिए वो सब यहाँ पर मौजूद है। अब फटाफट मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि क्या ज़बरदस्त काम करता है। दिखा सकते हैं ये कॉफ़ी पाउडर पहले मैं यहाँ डाल देता हूँ, मैं ज़्यादा शुगर प्रीफर नहीं करता इसलिए मैं फिलहाल शुगर नहीं ले रहा हूँ। और यहाँ है हमारे पास एक गर्मा गर्म दूध जिसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ कुछ इस तरह से, और बस इतना ही कुछ करना था आपको और इस कैप को आपके यहाँ लगा देना है। तो सब कुछ डालने के बाद सिर्फ हमें क्लिक करना है बटन, और आप देख सकते हैं बटन क्लिक करते ही ये अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली स्टिर होने लगा है और अच्छी तरह से कॉफ़ी यहाँ ब्लेंड होने वाली हमारी। आप देख सकते कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे और देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और फिर देखता हूँ कि कॉफ़ी का एक्जैक्टली टेस्ट कैसा आता है, सब कुछ होने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कितना यूज़फुल है प्रोडक्ट या कितना यूज़फुल नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी हो चुका है विद इन 5 to 10 seconds, तो चलिए मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लगता है इसका टेस्ट। सो दोस्तों कॉफ़ी तो काफ़ी मज़ेदार बनी है यहाँ पर, और देखा आपने कोई ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है, सिर्फ भी सब कुछ अब डाला आपने। आप अगर ऑफिस के लेट हो रहे हैं, आपको आपको फटाफट कॉफ़ी चाहिए, बस डाला इस पर ऑन करके छोड़ दिया, जब तक आप रेडी हो रहे हैं आया आपका कॉफ़ी रेडी है यहाँ पर, आप उसको अच्छे तरह से इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर आप इस कॉफ़ी को ऑफिस लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास लीक प्रूफ यहाँ लीड दिया हुआ है, आप बस इसको यहाँ पर लगाइए और एक कॉफ़ी बिल्कुल भी लीक प्रूफ हो जाए, देख सकते हैं यहाँ कहीं से भी कोई लीक देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सो कंपनी कितना भी क्लेम करे कि इस लीक प्रूफ है और लीड इसका काफ़ी होल्ड स्ट्रांग करता है, आप इसको कैरी कर सकते हैं, बस सच कहूँ तो इतना भी सेफ नहीं है इसको ले जाना। आपने तो लाइव डेमो में देख ही लिया कि किस तरह से सारी की सारी कॉफ़ी हमारी बाहर आ गई जब हमने इसको टेस्ट किया है इस लीड के साथ। बट लीड इसका ऐसा है कि आप इसको रख सकते हैं अपने ऑफिस वगैरह में, या कहीं गिरे तो डायरेक्टली इसमें से बाहर नहीं निकलने वाला है। हाँ मेरी तरह आप इसको पलटी कर देंगे तो फिर तो बात ही कुछ और है। हाँ लेकिन ये भी है कि आप इसको अगर बैग वगैरह में लेके जा रहे हैं तो हो सकता है कि उतना सेफ ना हो ले जाना। हाँ लेकिन आप अपने ऑफिस से मिल्क लेस के वहाँ पर अपना कॉफ़ी पाउडर लेके इसमें आराम से कुछ डाल के अपने टेबल पर रख के इसको आराम से स्टर कर करके पी सकते हैं, और काफ़ी देर तक गर्म रखने वाला आपके लिए, तो उन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। अब बात करो इस वर्डिक्ट की कि यह प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना उपयोगी है, कितना आप उसको रखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है अगर आप अमेजन पे देखें तो वही आपको पड़ेगा 899 में। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं। जो सबसे चीपेस्ट मुझे प्रोडक्ट दिखा वो था 899 का, बट वो प्लेन प्रोडक्ट था, उसमें किसी भी तरह के यहाँ जो नाम वगैरह लिखे वो प्रिंटेड नहीं थे। इस प्रोडक्ट में नाम प्रिंट है मेरे चैनल का, और जैसे मुझे मैंने कहा आपको मुझे ऐसा गिफ्ट मिला है, जब मैंने इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि इसका जो प्राइस है 1000 के आसपास पड़ा है उनको, एक्जैक्टली 999 रुपीज़। सो उसके अलावा प्राइस के अलावा अगर बात करूँ तो इस प्राइस पर मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर आप कोई भी अच्छा मग प्रीमियम मग लेने जाए तो वो भी आपको उसी रेंज में मिलता है, और बस इस मग में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जैसे वन टच स्टीयर का ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत यूज़फुल हो सकता है कॉफ़ी लवर्स के लिए। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिसका मैग्नेटिक कैप्सूल स्टीयर जो है वो थोड़ा सा स्पीड उसका स्लो है, आई मीन नॉट कैसे ग्रेट स्पीड है कि आपको एक मिनट में या फिर आई मीन कुछ सेकेंड्स में आपको बना देगा, इसको बनाने में आपको एटलीस्ट 5 से 10 सेकेंड टाइम आपको देना पड़ेगा। तो जो जो कॉफ़ी लवर्स हैं, जो ऑफिस गोअर्स हैं या फिर सुबह से ब्रेकफास्ट साथ कॉफ़ी लेना पसंद कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और साथ ही सिर्फ कॉफ़ी नहीं, आप इसमें मेडिसिन वगैरह के लिए जो भी आपको रजिस्टर करना चाहते हो कर सकते हैं इसमें, या फिर आपने मिल्क वगैरह इसमें गर्म करके शुगर वगैरह डाल के इसमें आप अच्छी तरह से मिला सकते हैं, और इसे बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं आप, चाहे प्रोटीन भी इसमें डाल के शेक कर सकते हैं। मैंने अब तक ट्राई नहीं किया है बट उम्मीद है कि वो भी इसको अच्छी तरह से मिला देगा, ब्लेंड कर देगा। तो दोस्तों यही तो कुछ बात खास बातें इस
कॉफ़ी मग के बारे में, इस छोटे से कॉफ़ी मग के बारे में जो कि देखने में काफ़ी क्यूट है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। और जाते हैं तो मैं कहना चाहूँगा अपने उस व्यूवर को जिसने मुझे भेजा है, थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल व्यूवर, ये भी बिल्कुल आपकी तरह ही ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।